An Academy. Let's crack it. All right, dear friends. So, आज UPSC का रिजल्ट आ चुका है. Year 2019 में जो एग्जाम साइकिल चल रही थी, वैसे तो फरवरी के अंदर उसके इंटरव्यू शुरू हो रहे थे, लेकिन फिर कोरोना के चलते थोड़ा पोस्टपोन हो गया और अब इसका फाइनली रिजल्ट आया. आज हमारे साथ हैं मिस नेहा बैनर्जी, जिन्होंने 20th रैंक हासिल किया है, यानी अब इनका IAS में सिलेक्शन हो गया है. मसूरी में ट्रेनिंग होगी और उसके बाद ये IAS बनेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस नेहा बैनर्जी, हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन बिहाफ ऑफ अन एकेडमी. और मैं आपका सबसे पहले परिचय दे देता हूँ विद्यार्थियों को. नेहा जी ने कोलकाता से अपनी पढ़ाई करी, उसके बाद IIT खड़गपुर से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ ग्रेजुएशन किया 2018 में कंप्लीट. उसके बाद वो एडोब सिस्टम में नौकरी कर रही हैं और साथ ही साथ UPSC की प्रिपरेशन, जहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने 20th रैंक हासिल किया है. तो नेहा जी, वैसे तो आप जानती हैं कि न्यूज़ चैनल में जब भी इंटरव्यू होता है तो पहला नियम है कि आपको कैसा लग रहा है, तो हम भी आपसे पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है. हाँ सर, मतलब सच कहूँ तो ऑनेस्टली मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हो चुका है, और बहुत दिन से ये रिजल्ट आना बाकी था. तो इतना बाकी था कि मैं सोच ही नहीं रही थी कि रिजल्ट आएगा, रादर मैं फोकस कर रही थी कि आगे आने वाले जो एग्जाम्स है, प्रीलिम्स है, मेंस है, उसमें कैसे जो भी गलतियां हुई है लास्ट अटेम्प्ट में उसको कैसे सुधारा जाए. तो मैं आज सुबह तक भी उसके प्रीलिम्स की तैयारी कर रही थी, वैसे ही मैं पढ़ाई स्ट्रेटेजी बना रही थी फिर से, लेकिन अचानक से फिर रिजल्ट आ गया और सब कुछ एकदम चेंज हो गया. तो अभी भी ये फीलिंग सिंक इन हुआ नहीं है, टाइम लगेगा शायद, लेकिन हाँ वैसे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. थैंक यू अगेन. आपको भले ये यकीन ना हो रहा हो, लेकिन हमें तो यकीन था ही, क्योंकि अनअकैडमी में दिल्ली के अंदर आपका जब मॉक इंटरव्यू हुआ था तो राकेश सर, डांगुर सर, हरीश सर और मैं भी, आपका मॉक इंटरव्यू देखकर ही हमको पता चल गया था कि आपने कितनी ज्यादा अच्छी तैयारी करी है. और वो मॉक इंटरव्यू जब हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे तो बाकी सब व्यूअर्स को भी पता चल जाएगा कि कितनी आपने अच्छी तैयारी करी थी. सो इट इज अ डिजर्विंग रैंक, और इनफैक्ट हम तो सोच रहे थे कि उससे भी अच्छा रैंक आएगा, बट 20th रैंक इज गुड, IAS में सिलेक्शन, That is all that matters. Thank you. तो नेहा जी, आपके अपने बारे में मैंने तो परिचय दे दिया, but from your own words we would like to hear, अपने बारे में हमें कुछ बताइए. जी सर, सर मैं वैसे तो कोलकाता से ही बिलोंग करती हूँ, और प्लस टू तक मैंने यहाँ के स्कूल में ही पढ़ाई की है, और उसके बाद IIT खड़गपुर में 2014 से 2018 तक मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है, और उसके बाद मैं अडोबी में काम कर रही थी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पे. लेकिन मैंने वो मतलब मैंने वो नौकरी छोड़ा अभी जनवरी में, 31 जनवरी 2020 को, मतलब जस्ट इंटरव्यू से ऑलमोस्ट लगभग 15 दिन पहले मैंने अपनी नौकरी छोड़ी. लेकिन जब मैं प्रीलिम्स और मेंस दे रही थी तब मैं फुल टाइम ही जॉब में थी. तो मैं फुल टाइम नौकरी करते करते ये एग्जाम दिया, और मतलब मैं अपनी तैयारी लगभग 2018 में शुरू की, 2018 में अप्रैल मई जून के आसपास, और ऐसे मेरा भी एक ईयर का ही साइकिल रहा है तैयारी में. और मतलब मैं शुरू से ही ऐसे ही प्लान आउट किया था कि ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट ही बेस्ट, अपना बेस्ट दूँ जितना मेरी तरफ से हो सके, और थैंकफुली अभी वो काम आ गया है और अच्छा लग रहा है. जी जी जी, बढ़िया है. अच्छा, ये IIT खड़गपुर तो मतलब बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, और वहां पर तो जो जाते हैं वो ये सोचते हैं कि बड़ी MNC में या USA में कहीं नौकरी मिल जाए, तो आपको ये क्यों इच्छा हुई कि सिविल सर्विस में आना है? जी सर, एक्चुअली सच बताऊं कि मतलब मैं जब IIT खड़गपुर में गई थी तब उस टाइम तक मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि ये करना है, IIT के बाद क्या करना है ये कभी सोचा नहीं था. मतलब IIT जाने से पहले मैं भी यही सोची थी कि IIT में घुसना है, लेकिन उसके बाद क्या करना है ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब मैंने ये नहीं सोचा कि उसके बाद साइंटिस्ट बनना है, कि रिसर्चर बनना है, कि सिविल सर्विस बनना है. लेकिन जब फाइनल ईयर तक मैं आई उस टाइम पे मतलब मैं बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर किया. एक तो मैंने मतलब हमारे टाइम में अभी भी जैसा चल रहा है, जैसे ये मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा हाइप है, वो होना भी चाहिए क्योंकि यही फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है, और आगे की जो जनरेशन होगी वो इन्हीं टेक्नोलॉजीज के साथ जिएंगे. तो उस हिसाब से मुझे भी लगा कि ठीक है, सब कर रहे हैं तो इसमें सक्सेस भी होगा. मतलब दिस इज द डोमिनेंट टेक्नोलॉजी एंड डोमिनेंट फील्ड, मैं भी उसी में जाती हूँ. तो और क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से थी तो मुझे काफी अपॉर्चुनिटीज भी मिला उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए. लेकिन फिर उस हिसाब से मैंने अडोब सिस्टम्स में एक इंटर्नशिप का ऑफर मिला मुझे, और उस हिसाब से मैं उनके साथ जुड़ गई कि ये इस वर्ल्ड में. लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं ज्यादा फिट नहीं हो पा रही हूँ उस एरिया में. मतलब मुझे लगा था कि मैं कर तो रही हूँ, शायद मैं कर भी दूंगी, लेकिन उसके पीछे मेन जो मेरा एक मोटिवेशन होता है कि ताकि कोई एक काम ऐसा हो कि मैं जिंदगी भर उसको एकदम लगाम से कर सकूं और
मतलब पूरा एकदम मोटिवेशन के साथ कर सकूं, वो वाला फीलिंग आई नहीं रही। तो फिर मैंने बाकी और चीजों को देखा और फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी को देखा। और फिर एक्चुअली बचपन से ही मुझे ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ऐसे टाइप के जो आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस और न्यूज़पेपर रीडिंग, मतलब बचपन से ही थोड़ा सा शौक था ये। लेकिन क्योंकि आईआईटी में जाना था तो ये सब थोड़ा सा छूट गया, ये सब सोशल साइंस और ये सब चीज़ें। लेकिन फिर से मुझे लगा कि मुझे अगर मैं यूपीएससी करूँ तो ये सब पढ़ने का फिर से मौका मिलेगा, इनको अच्छे से जानने की फिर से मौका मिलेगा, इकोनॉमी मतलब कितना कुछ जानना होता है। तो फिर मैंने ग्रेजुअली रियलाइज किया सर कि मेरे लिए ऐसा कोई काम अच्छा होगा जिसमें यू हैव टू बी द जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब थोड़ी थोड़ी आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, काइंड ऑफ जर्नलिस्ट एक सर्विस, रादर देन कोई एक चीज जहाँ पे बहुत ही एक नैरो स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो ये मैंने रियलाइज किया और फिर ग्रेजुअली मैंने साथ साथ यूपीएससी को पढ़ा और मैंने पढ़ाई को बहुत एंजॉय किया था। मतलब बाकी मैंने उतना नहीं सोचा कि रिजल्ट क्या आएगा, कि कभी होगा आईएएस होगा कि आईपीएस होगा, आईएसएस होगा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब ये सर्विस कैडर ये तो सब मुझे इंटर मतलब मेन रिजल्ट के बाद पता चला कि कौन से किस में रहे। लेकिन मैंने पढ़ाई को बहुत एंजॉय किया, जैसे मैं आपके वहां से इकोनॉमी के लेक्चर्स पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब लगता था कि मैं कुछ सीख रही हूँ, जान रही हूँ, तो उस लर्निंग प्रोसेस को मैंने बहुत एंजॉय किया। जी, तो नेहा जी, सबसे पहले तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल रही हैं और बस मेंस और उसके बाद इंटरव्यू के करीब एक आध हफ्ते पहले ही आपने जॉब लीव किया था, तो आपका डेली रूटीन क्या था? मतलब ऑफिस कितने बजे जाना, सुबह कितना पढ़ाई में टाइम निकाला, शाम को, व्हाट वेर द चैलेंजेस टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जाम एज अ वर्किंग प्रोफेशनल? सर एक्चुअली मेरा जो ऑफिस था वो मेरे घर से तो काफी दूर था, क्योंकि मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और मेरा ऑफिस था नोएडा में, तो मुझे पूरा ही एकदम शिफ्ट होना पड़ा अपने घर से, और मेरी मदर भी मेरे साथ थी उस टाइम पे। तो क्योंकि मेरी मदर मेरे साथ थी तो मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता था, क्योंकि जब हम किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो वहाँ पे नया फ्लैट लेना, फिर सब कुछ खुद से अरेंज करना, तो इसमें मैं अपनी मदर को मतलब थैंक्स भी बहुत छोटा सा शब्द होगा, मतलब मैं तो हमेशा यही बोलूंगी कि ये जो जर्नी है ये सिर्फ मेरा नहीं है, मैं और मेरा मतलब मेरी और मेरी मदर का भी है। तो इसीलिए शायद मेरी मदर मेरे साथ थी इसलिए मुझे उतना मतलब कष्ट नहीं हुआ इन सब चीज़ों में। और बाकी मेरा रूटीन अगर कहूँ तो ऐसा था कि अराउंड 10-11 बजे तक मैं ऑफिस पहुँचती थी, तो उससे पहले मैं सुबह अराउंड 7-8 बजे उठ के कोशिश करती थी कि मैं हर रोज एटलीस्ट 2 घंटे पढ़ूँ ऑफिस जाने से पहले। और फिर ऑफिस जाते जाते मतलब हमारा एक ट्रांसपोर्ट होता था, एक शटल में हम ऑफिस जाते थे, तो उसमें मैं काफ़ी उसमें पढ़ाई कर लेती थी, मतलब ये फोन से पीडीएफ से, या फिर जैसे हम कोई न्यूज़पेपर हो तो वो मैं शटल में ही कर लेती थी, करने की कोशिश करती थी। ऐसा नहीं बोलूंगी कि हर रोज हो पाता था, क्योंकि हम है तो इंसान ही, मशीन की तरह तो काम कर नहीं सकते। लेकिन फिर धीरे मतलब ऑफिस में मैं जाती, फिर लंच टाइम में काफी यूटिलाइज करती थी, अगर 1 घंटे का लंच होता था तो 20 मिनट में लंच खत्म करके बाकी का टाइम मैं पढ़ाई करती थी। फिर उसके बाद सर मैं शाम को आके फिर मैं 3-4 घंटे और पढ़ाई करती थी, तो ऐसे ही। और फिर सैटरडे संडे को मैं पूरी कोशिश करती थी कि कुछ और ना सोच के एकदम पढ़ाई नहीं दी। लेकिन ये देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम मतलब एक रोबोट की तरह फॉलो करती थी, बट ऐसा कभी नहीं होता था। बहुत सारे इधर उधर चीजें होते थे, काफी काम ज्यादा होता था तो नहीं कर पाती थी, कभी मतलब मन नहीं लगता था तो नहीं हो पाता था, तो वो सब होता है। लेकिन एक ओवरऑल जो ट्रेंड है वो मतलब एक ओवरऑल जो ग्राफ है, मतलब मैं हमेशा यही कहती हूँ सर कि मतलब यूपीएससी पढ़ाई का ग्राफ एक साइन कर्व जैसा है, मतलब कभी ऊपर आएगा कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन जो जनरल ट्रेंड है वो ऊपर होना चाहिए, तो यही मैं ध्यान रखती थी कहते हैं। लेकिन हाँ, हर रोज एक ओवरऑल एवरेज एरिया में अगर देखो तो ऐसे ही करते मैंने मैनेज। नहीं बिल्कुल, ये जरूरी है, तभी मेहनत होगी तभी तो सफलता मिलती है। अच्छा, इसी के साथ मेरा जुड़ा दूसरा प्रश्न, आपने जो बताया कि अप डाउन चलते रहते हैं, कभी मूड होता है कभी मूड नहीं होता है, अभी भी ये बिकॉज ऑफ दिस कोरोना लॉकडाउन नेक्स्ट प्रीलिम एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, वापस से सब अफवाह उड़ती है कि इसको और पोस्टपोन करेंगे नहीं करेंगे, सो व्हाट इज योर एडवाइस टू दिस फ्यूचर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स कि उन्होंने क्या करना चाहिए? सर मतलब ये टाइम जो है ये बहुत ही एक अजीब सा टाइम है सबके लिए ही, और मतलब ऐसे इतना अनसर्टन, वैसे भी इस एग्जाम में इतनी अनसर्टनिटी है कि मतलब जितना भी पढ़ लो कभी कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं एकदम 100% तैयारी हूँ। मतलब आज कल सुबह तक भी मैं ये बोल रही थी कि अगर इस बार नहीं हुआ तो क्या मैं किसी और जॉब में अप्लाई करूंगी, मतलब ऐसा इतना अनसर्टनिटी तो चलता ही रहता है। लेकिन उसके ऊपर अभी ये कोरोना आया है और सबके मन में इतना भय है और सब लोग इतना मतलब ये एक तो ये हेल्थ इशू है, शायद किसी के आसपास
के जो नेबर्स है या फिर फैमिली मेंबर्स को शायद किसी किसी को हुआ भी है, इन्फेक्शन हुआ भी है कोरोना का, तो मतलब हौसला हौसला ही एक एकमात्र वो है होप, और जो हौसला ही एकमात्र वे है कि हम इस काल से मुक्त हो जाए और हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन मतलब सर एक चीज होता है कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं होता उसके बारे में ज्यादा सोच के तो कुछ होगा नहीं, तो एटलीस्ट जितना हाथ में है, जैसे कि यूपीएससी ने कह दिया कि 4 अक्टूबर को एग्जाम है, अब इसके ऊपर ज्यादा वो नहीं होना चाहिए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा इसलिए मैं पढ़ूंगी नहीं पढ़ूंगी, एक बार कह दिया तो मतलब कह दिया, और मुझे प्रिपरेशन करनी है तैयारी करनी है, मतलब जितना हमारे हाथ में है हम उसमें 100% दें। मुझे लगता है कि यही एक स्ट्रैटेजी है कि हाँ 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है, और जब मैं प्रीलिम्स लिखूंगी तब मेरे और मेरे पेन के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, बस इतना इंश्योर करना है, और बाकी जो हो रहा है वो तो होगा, अगर अब क्या कर सकते हैं सर, मतलब जो चीज हाथ में नहीं है उसको बोल के फायदा नहीं है। डेफिनेटली डेफिनेटली, लेकिन आपके लिए अच्छी बात यह है कि अब आपने अटेम्प्ट दूसरी बार देना नहीं है, तो यू आर हाँ सेव्ड फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ वही डिप्रेशन। वही सबसे ज्यादा रिलीफ वाली बात है। लेकिन दूसरे सब स्टूडेंट्स ने इस बात को ध्यान रखना चाहिए और अपनी तैयारी को बनाए रखना चाहिए। अच्छा, तैयारी करते करते ये जो आपने बताया मूड्स एंड, तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं अपने मूड को सही रखने के लिए? व्हाट आर योर हॉबीज? हाउ डू यू फोकस ऑन एग्जाम एज वेल एज कीप योर माइंड कूल? सर फ्री टाइम में मैं वैसे तो मतलब जब मैं कॉलेज में थी तब सिंगिंग मेरा एक होता था, एक हॉबी टाइप का था, लेकिन वो मैं ज्यादा कर नहीं पाई नेचुरली आफ्टर कॉलेज। तो फ्री टाइम में मैं एक वो मेरी हॉबी में भी लिखा था, मतलब मैं जब अपनी बैक फॉर्म फिल कर रही थी तो मैं एक रिफ्लेक्टिव राइटिंग चीज करती हूँ, जैसे अगर कोई भी स्थिति में मैं हूँ, कोई भी चीज मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करे तो मैं उसके बारे में 2-4 शब्द अपनी डायरी में या कॉपी में लिख लेती हूँ। तो ये हॉबी मेरे लिए काफी अच्छा एक साथी था पूरा प्रिपरेशन के लिए। मतलब जैसे मैंने अभी हम जैसे यूपीएससी में बहुत सारे सोशल चीजें करते हैं सर, मतलब जो हमारी रियलिटी से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है, तो उसको अगर हम थोड़ी रियलिटी की ओर से देखें और सिर्फ एक बुकिश नॉलेज ना ले तो एक अच्छा होगा। जैसे जब मैं बाहर निकलती थी तब अगर कुछ ऐसा देख लिया जो मैंने बुक से पढ़ा है, जैसे चाइल्ड लेबर, जैसे रास्ते में बेगर्स, और मतलब पॉवर्टी, वो सब, तो वो काफी टच करता था चीजें, और कहीं ना कहीं मैं रिलेट करने की कोशिश करती थी कि मैं क्या पढ़ाई की, मैं मतलब बुक से क्या पढ़ाई की और क्या वास्तव वास्तव में क्या हो रहा है। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, लेकिन मैं जब नोएडा में गई तो उस टाइम पे काफी ज्यादा मतलब आसपास देखा कि कहाँ पे खोट है कहाँ पे नहीं है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो मैं इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा अपनी थॉट्स लिख लेती हूँ। ये एक मेरी फ्री टाइम की हॉबी रहती है, वो जी जी आधा मोबाइल में या बहुत फिर ही यस, वेरी हेल्पफुल ऑल्सो, जब भी ऐसे राइटिंग करना हो या हाँ बीच हाँ के अंदर हाँ पेपर वन ये और भी काफी ज्यादा सभी जगह पर। अच्छा, ये लोग कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने 1 घंटा पढ़ाई कर ली तो अभी व्हाट्सएप, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार ये देखते हैं, तो आपको ये सब शौक है कि नहीं? सर सच बताओ तो अभी तो है, मतलब इस लॉकडाउन के बाद मतलब घर बैठे बैठे तो ये नेटफ्लिक्स और ये जो है वेब सीरीज वो तो मैं काफी देखा है मैंने, मतलब अभी इस इंटरव्यू के बाद जैसे इस लॉकडाउन पीरियड में, लेकिन जब मैं ऑफिस में थी और जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तब बिल्कुल नहीं, तब फेसबुक भी पूरी तरीके से ऑफ था 8 महीने के लिए, और व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल था, मतलब कोई भी सोशल मीडिया से कुछ भी कनेक्शन नहीं था, और मैं कभी घंटे के हिसाब से पढ़ाई की नहीं, मतलब मैंने कभी मेजर ही नहीं किया कि मैं एक दिन में कितनी घंटे पढ़ाई की हूँ, 8 घंटे या फिर 6-7 घंटे, मतलब जब भी मौका मिलता था मैंने पढ़ाई कर ली थी। मतलब मुझे याद है सर आपके जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस की जो आपने एक मटेरियल है आपके वेबसाइट में, तो वो चीज सर मैंने अपनी लंच करते करते ही मैंने वो पढ़ा है, और कभी अभी ऑफिस से लौटते वक्त बस में भी मैंने वो इंडस्ट्रियल लोकेशन वो सब पढ़ा है, तो ऐसे करके किया है। जी, अच्छा, तो मैं फिर से ये रिपीट करूंगा स्टूडेंट्स के लिए, जो नेहा जी ने बोला कि उन्होंने व्हाट्सएप भी अनइंस्टॉल कर दिया था और फेसबुक भी बंद कर दिया था ड्यूरिंग हर प्रिपरेशन, तो ये बहुत जरूरी है, वरना दूसरे लोगों को हम देखते रहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन में फोकस हो नहीं पाता। ये बहुत है सर, मैं एक जगह पढ़ रही थी कि मतलब कि डोंट कंपेयर योर योर बैक स्टेज विद समबडीज रियल लाइफ, मतलब जो लोग फेसबुक व्हाट्सएप में जो लोग दिखाते हैं, मतलब एक छवि में एक पिक्चर में जो लोग, वो तो उनका बेस्ट है, लेकिन उनके पीछे क्या चल रहा है हम ये देखते नहीं है, और हम अपनी जो पीछे की जो दर्द भरी कहानी है वो हम उनके एकदम वो झलमल वाले कहानी से हम उससे कंपेयर करते हैं और हम दुखी हो जाते हैं, तो ये जो एक कंपैरेटिव वाला चीज आ जाता है ये काफी ज्यादा डिप्रेशन इफेक्ट, फिर ऐसे सोच जाते हैं सर कि मेरे दोस्त क्या क्या कर रहे हैं और मैं घर पे बैठ के नदियों का नाम रख रही हूँ, तो ऐसा जी चीज ना हो, इसीलिए मतलब मैं सजेस्ट, अगर कोई बहुत स्ट्रांग है मेंटली तो शायद वो ये सब उनको कुछ लगेगा नहीं, सच बताओ तो आपको कुछ पड़ेगी नहीं पढ़ना चाहिए बाकी लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी अगर उतना स्ट्रांग नहीं हो तो अनइंस्टॉल करना ही स्मार्टेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। बात सही है।
वैसे आपने सब्जेक्ट वाइज क्या क्या प्रिपरेशन करी थी, उसके लिए हम लोग वापस से इंटरव्यू आर्टिकल ये सब करेंगे, क्योंकि जब आपकी मार्कशीट आती है तो उस हिसाब से हम लोग और उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी स्ट्रेटेजी सही रही थी, अच्छे मार्क मिले, कहाँ पर थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम आए। वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि रैंक 20 लाने के लिए सब जगह पर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही मार्क के स्कोर हुए होंगे, बट विल कम बैक टू दैट। अभी के लिए तो सिर्फ कुछ जनरल क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन। एक तो ये चीज होती है कि पूरा दिन कुछ लोग टेलीग्राम से मटेरियल डाउनलोड करते रहते हैं और पूरा दिन इंटरनेट पर जितना मटेरियल जनरेट हो रहा है, करंट अफेयर्स, पीडीएफ, वीडियोस, वेब, तो हाउ डिड यू डिफाइन द बाउंड्री ऑफ योर प्रिपरेशन कि मुझे इतना ही पढ़ना है, उसके बाहर में ये टाइम वेस्ट नहीं करना। तो ये चीज आजकल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी जिस फेज में हम हैं तो उसमें ये एक फेस एक ऐसा टाइम था यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए जब उनको मटेरियल मिल नहीं जाता था, जब तक कि ना वो दिल्ली नहीं जाते या फिर कोचिंग नहीं लेते। अभी ऐसा है कि अभी इतना सारा मटेरियल है कि लोगों को मतलब पता ही नहीं है कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो अभी मतलब यू हैव टू चूज अमंग ह्यूज नंबर ऑफ ह्यूज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो इसके लिए सर मतलब एस्पिरेंट्स जो कर सकते हैं कि पहले से ही अपनी बाउंड्रीज डिफाइन कर ले, मतलब जैसे मैं जैसे जीएस अगर हम देखें तो एक जीएस वो तो एक अनएंडिंग सा चीज है, वो कभी खत्म हो ही नहीं पाएगा। मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने पूरा पढ़ लिया। मैं भी अभी खुद से नहीं कह सकती कि मैंने मुझे सब आता है जीएस में, अभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो ही सकता है जो मुझे नहीं आता। तो इसीलिए हमें मतलब मैं एक लेयर्ड वाइज एक लेयर अप्रोच फॉलो की थी कि पहले बेसिक्स करूंगी कि एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, फिर इकोनॉमी के लिए आपके लेक्चर्स, फिर मतलब एक चीज जो सबको करना ही है, उसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि वो करना है कि नहीं, क्योंकि वो करना ही है, सबको करना है। फिर बाकी जो चीज है वो मेरे ऊपर है, जैसे वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिफर करेगा कि किसको क्या, कौन सी कोचिंग सेंटर की करंट अफेयर किसको अच्छा लगे क्या लगे, ये तो अपने ऊपर है कि तो ये कोई एक मतलब जैसे करंट अफेयर के लिए मैं ये कहूंगी कि आप न्यूज़पेपर्स डेली बेसिस पे अगर करें वो ठीक है, और फिर कोई एक कोचिंग सेंटर या फिर कोई एक इंस्टीट्यूट का पीडीएफ जो होता है। लेकिन क्या करते हैं ना सर, स्टूडेंट्स पहले से ये गलती करते हैं कि मतलब इनिशियली न्यूज़पेपर्स पढ़ते नहीं और डायरेक्टली बोलते कि मैं तो सिर्फ बस पीडीएफ पढ़ के कर लूंगी, लेकिन वो नहीं है, एक प्रोसेस होता है, मतलब दिमाग का सोचने का एक तरीका भी होता है, इसके लिए टाइम लगता है इस एग्जाम में। सही बात है। तो सोचने का तरीका हमें पहले खुद से डेवलप करना चाहिए, थोड़ा सा सोच लिया, जान लिया कि चीजें क्या है मेरे आसपास, उसके बाद आप मेमोराइजिंग वाला पार्ट कर सकते। तो एकदम सही बात है आपने जो करी कि लेयर अप्रोच रखना चाहिए और ये पूरा दिन पीडीएफ लेके बैठे रहना, दैट इज नॉट गुड फॉर द प्रिपरेशन। हर एक टॉपिक के अंदर आपने कैसे प्रिपरेशन किया था, बुक लिस्ट एंड एवरीथिंग, उसके लिए हम लोग वापस इंटरव्यू करेंगे आफ्टर द मार्कशीट कम्स। अभी के लिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको पूछना चाहूंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि आपने IIT से पढ़ाई करी है एंड यू हैव सिलेक्टेड दैट वन, विच इज अ गुड थिंग। तो पहला मेरा प्रश्न ये है कि बाकी सब लोग शायद ये भी आपको सलाह देते होंगे कि पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये सब ले लो, तो आपको क्यों लगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना है? एंड सेम क्वेश्चन, क्योंकि सब लोग तो IIT से नहीं होंगे, बट बाकी भी जो लोग हैं जो शायद जिन्होंने कॉमर्स किया है या MSc केमिस्ट्री या BSc मैथमेटिक्स, वो भी कई बार सोचते हैं कि अपना स्ट्रीम में ले लेता हूँ टेक्निकल, बट देन अदर पीपल्स आर डीमोटिवेटिंग देम कि नहीं तुम पॉलिटिकल साइंस लो, तो उन सब को आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब मेरा इलेक्ट्रिकल लेने का तरीका एक पूरा ही मेथड ऑफ एलिमिनेशन से था, मतलब कि मैंने सोचा कि अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता, अगर मैं शायद वर्किंग नहीं थी या फिर तो शायद मैं सोचती ये पॉलिटिकल साइंस और ये फिलोसफी वगैरह सोशियोलॉजी, क्योंकि उन सब्जेक्ट्स में भी मुझे इंटरेस्ट तो था काफी ज्यादा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे कोई सब्जेक्ट लेना ये काफी बचपना हो जाएगा इसमें, मतलब अगर कोई ऐसा सोचे कि मुझे समाज के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है तो मैंने सोशियोलॉजी ले लिया, मतलब ऐसे टाइप की सोच से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कंसिडरेशन है। क्योंकि फिर मैंने ये सोचा कि अभी ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने सोशियोलॉजी में MA करके रखा है, उनका आंसर मेरे आंसर से कैसे मैं कंपेयर करूंगी। फिर मैंने सोचा कि ठीक है शायद मैं बहुत पढ़ के सोशियोलॉजी कर लूँ क्योंकि इंटरेस्ट है, लेकिन फिर मैंने सोचा सर कि मतलब एक कोई भी एक सब्जेक्ट को जानने के लिए, मतलब जिस स्पेशली ऐसा एक सब्जेक्ट जिसमें अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर है, तो हर एक सब्जेक्ट का सर कुछ ना कुछ एक माइन्यूट USP होती है। जैसे सोशियोलॉजी का एक लिखने का तरीका, अब वो उसको अपनाने के लिए मुझे लगा कि मैं इतनी शॉर्ट टाइम में कैसे उसको अडॉप्ट करती हूँ, मतलब हो सकता है ये पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें किया है। फिर मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं इलेक्ट्रिकल ले लूँ, और इलेक्ट्रिकल में मतलब मैंने थोड़ा सा हाफ हार्टेड लेके मैंने लिया था, मैंने ये सोचा था कि क्योंकि ये GS के साथ जाता नहीं है, मतलब GS में हम इतना सोसाइटी पॉलिटी इतना सब कुछ पढ़ते हैं और
अचानक से इलेक्ट्रिकल आ गया तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए होता है, उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी चाहिए होता है, तो दोनों अलग है. लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ये एटलीस्ट मतलब मेरा जो सर्कल है उसके अंडर है, मतलब कोई आउट ऑफ बाउंड्री चीज नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने ऑप्शनल को ऐसे. बट हाँ सर, ऐसा मतलब जैसे PSIR सोशियोलॉजी काफी पॉपुलर ऑप्शनल है, इसमें एडवांटेज ये है कि आपको मटेरियल्स काफी ज्यादा मिल जाते हैं, जैसे कि PDF वगैरह हो वो. लेकिन उसमें भी फिर सेम लॉजिक लगता है कि मटेरियल मिलने से क्या होगा अगर सही से टाइम या स्ट्रेटेजी नहीं मिला उसको कवर करने के लिए. तो ऑप्शनल मुझे लगता है कि अगर मतलब ये ना एक ऐसा एक जैसे अगर है ऐसा कोई अगर रूल है कि इस ऑप्शनल से ही इतने सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, इस ऑप्शनल से ही, तो ये बहुत हर एक ऑप्शनल से कोई भी क्वालिफाई कर सकता है. ये एक मुझे लगता है ये एक ट्रूथ है कि कोई भी ऑप्शनल से कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि उसको उसका पढ़ने का ढंग वगैरह ये सब कुछ सही है. तो दैट इज वेरी नाइस. एंड मेरे पास अभी तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन शायद ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और वहां पर भी गर्ल स्टूडेंट जिसने इतनी ऊंची रैंक हासिल की है, शायद मेरे ख्याल से आप सबसे आगे हैं अब तक की हिस्ट्री में. लेकिन वो हम ढूंढ के निकालते हैं और पता करते हैं. बट आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन टू गेट दिस हाई रैंक विद. लेकिन हर एक ऑप्शनल का एक बेल कर्व होता है, मतलब ऐसा होता है कि कोई ऑप्शनल कभी चल रहा होता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं, कोई दूसरा ऑप्शनल बहुत सारे. तो ऐसे मार्केट ट्रेंड्स पे हम जाए तो फिर तो कोई स्टेबिलिटी नाम की चीज रहेगी नहीं UPSC में. तो एक स्टेबिलिटी और वो सब और ऑप्शनल सब्जेक्ट उसका ढंग ही अलग है GS से, मतलब उसमें इन डेप्थ जाना पड़ता है, उसमें बहुत सारे बुक्स पढ़ना होता है, हर एक ऑप्शनल का ढंग अलग होता है. तो इसीलिए ये मार्केट उसमें नहीं जाना चाहिए कि ये ले लो हो जाएगा, वो ले लो हो जाएगा. बात सही है, एकदम बात सही है. अच्छा, मेंस की हम लोग बात कर रहे थे, तो मेंस के अंदर ये आजकल एक हवा चल रही है कि आंसर राइटिंग करो. आंसर राइटिंग आप कब से शुरू करी आपने और उसकी क्या प्रीरिक्विजिट है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है. जी सर, इसमें मैं एकदम ऑनेस्ट आंसर दूंगी. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आंसर राइटिंग सिर्फ प्रीलिम्स के बाद किया. उससे पहले मैंने सिर्फ, मुझे याद है हमारा प्रीलिम्स था जून में, उससे पहले जनवरी में मैंने सिर्फ वो देखा था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं हर एक ब्लॉक से. तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक दो आंसर लिखने की कोशिश की थी, लेकिन वो बहुत खराब था. फिर मैंने सोचा कि इसमें अगर टाइम दू फिर तो इस बार प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर हो पाएगा. तो फिर मैंने ऐसा किया कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा और आपके वेबसाइट से और बाकी और भी वेबसाइट से मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि अच्छा अगर ऐसा क्वेश्चन आ, जैसे आप GS3 के वो मॉडल आंसर देते हो, तो उससे मैंने सीख, बस उतना मैंने देखा, कुछ लिखा नहीं. वो मैंने जनवरी फरवरी में देखा और फिर मैं पूरी तरीके से प्रीलिम्स प्रिपरेशन में लगी हुई थी. मैंने पूरा आंसर राइटिंग किया ही मैंने प्रीलिम्स के बाद, और उसमें भी ऐसा नहीं था कि मैंने डेली 5 आंसर्स लिखे. मुझे मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे करके होते हैं, लेकिन मुझे सच में मतलब मुझे कभी वो चीज़ बैठी नहीं थी. और सच बताऊँ सर, तो प्रिपरेशन टाइम में भी मुझे बहुत डर लगता था कि मैं ये चीज़ कर नहीं रही हूँ, क्या मैं सिलेक्ट होंगी, मतलब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन की जो बहुत लोग करते हैं, आई एम नॉट डूइंग दैट, मतलब तो क्या मेरा सिलेक्शन का चांसेस क्या है. लेकिन मतलब जो डेली 5 आंसर, डेली 6 आंसर और वो भी रैंडम टॉपिक से, तो ये चीज मुझे कभी भी वो नहीं. मैं एक सब्जेक्ट जैसे मैंने ऐसे डिसाइड किया कि मैं 7 दिन तक सिर्फ ये ज्योग्राफी डिजास्टर मैनेजमेंट करूंगी, और उससे जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है जहाँ से भी मिलता है प्रीवियस ईयर वो मैं लिखने की कोशिश करूंगी 7 दिन में जितना भी होगा. लेकिन रैंडम डेली बेसिस पे 5-6 क्वेश्चन ये चीज कभी नहीं हो पाया, मुझसे तो कभी नहीं होता. बात सही. एंड स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है उसको जो जनरल स्टडीज में पढ़ना इतना है, आपको सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले उनके पास टाइम रहता है, कंटेंट रहता है, तो वो मतलब आंसर राइटिंग होगा कैसे. मतलब अगर कोई ऐसे बोले कि मैं एकदम मतलब शुरू के एक दो महीने में ही आंसर राइटिंग कर रही हूँ, तो मतलब आपको तो आधी की चीजें पता ही नहीं होगा. मतलब बहुत जैसे सर अगर हम IR की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसमें मिनिमम 6-7 महीने तो होना चाहिए आपकी प्रिपरेशन को, नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा कि आसपास में क्या चल रहा है, कि इंडिया चाइना वो सब क्या चल रहा है. तो वो समझने के लिए भी तो एक टाइम लगता है, वो एक बॉलिस्टिक, क्योंकि टॉपिक जो है वो इंटरलिंक्ड है. कि जैसे सर GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट और GS1 में ज्योग्राफी इंटरलिंक्ड है, तो इसीलिए पूरा एक बार हो जाए तभी हम थोड़ा सा, नहीं तो हम लिखेंगे तो बहुत बोगस टाइप के आंसर लिखेंगे, मतलब उसमें मार्क्स मिलेगा नहीं अगर हम ऐसे बोले भी कि डे 1 से आंसर राइटिंग. ये बात आपने एकदम बहुत सही करी. मेंस के बाद हम लोग बड़े इंटरव्यू की ओर, तो इंटरव्यू के लिए आपने अलग से क्या क्या तैयारियां करी और सर, उसके बारे में मतलब मुझे तो मतलब मेंस के बाद मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंटरव्यू कॉल आएगा. तो मैंने मेंस के बाद मैं ये सोच रही थी कि क्या मुझे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना चाहिए, और उस टाइम पे ऐसा हो रहा था सर कि मैं अपनी जॉब भी चेंज करने वाली थी. मतलब मैं सोच रही थी कि जॉब चेंज करूँ या ना करूँ, तो वो मेरे लाइफ का एक काफी
कठिन समय चल रहा था, मैं यही कहूंगी। तो मैंने इंटरव्यू की कुछ एक्स्ट्रा तैयारी मैंने नहीं की, मैं जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, हिंदू वगैरह जो भी हो, तो मैं न्यूज़पेपर्स मैंने अच्छे से फॉलो किए जीएस के लिए, और ऑप्शनल के लिए मैंने अलग से कुछ नहीं किया, और अपने होम स्टेट के बारे में थोड़ा और इन डेप्थ एनालिसिस किया, होम स्टेट या फिर जो चीज जैसे सब जो सब करते हैं वो डैक से पॉइंट निकाल निकाल के कि होम स्टेट के बारे में, फिर उसके बाद मेरे जैसे मेरे स्कूल के बारे में, या फिर मैंने कुछ एक स्कॉलरशिप जीता था तो स्कॉलरशिप के बारे में कुछ है, फिर मतलब जैसे नॉर्मल डैक एनालिसिस लोग करते हैं उतना ही किया, कुछ अलग तो नहीं किया। डेफिनेटली दैट इज, और आप जानती हैं कि ये मेंस में जो लोग सिलेक्ट हुए थे उनको फ्री में मॉक इंटरव्यू करवाने के लिए अन एकेडमी ने दिल्ली में प्रोग्राम रखा था, जहाँ पर आप भी आई थी और आपने बहुत अच्छा मॉक इंटरव्यू दिया था। तो हम ये जानना चाहते थे कि वहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए रियल एग्जाम में, रियल इंटरव्यू में पूछे गए, क्या आपको उससे कुछ फायदा हुआ, कुछ सिमिलैरिटीज थी, हाउ वाज द ऑफिशियल इंटरव्यू? हाँ सर, मतलब फायदा तो हुआ ही है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए मैंने अलग से कुछ किया नहीं था, तो मेरी तैयारी बस वही था कि कैसे बोलना है सबके सामने, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है वो चीज। तो जैसे एक चीज जैसे मैंने नोटिस किया कि जैसे हर एक पहले एक चेयरमैन होते हैं जो आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, फिर एक पैनलिस्ट ऐसे होंगे जो सिर्फ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, जैसे मेरे इंटरव्यू में आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने उससे मेरी आंखें खुल गई थी और मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पढ़ के गई थी, और रियल इंटरव्यू में सच में मुझे बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कोई इंजीनियरिंग की इंटरव्यू दे रही हूँ, तो बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे इलेक्ट्रिकल में, वो एक था। और बाकी करंट अफेयर्स में जो चल रहा था उसमें भी थोड़ा सा मिला जुला के ही आएगा, लेकिन वो जो एक पैटर्न होती है कि खुद को कंपोज रखना, फिर जैसे आपने एक एडवाइस दी थी कि थोड़ा सा धीरे बोलना चाहिए, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो वो मैंने थोड़ा सा लिया था, तो फायदा तो हुआ ही था। जी, वो जो आपने बताया कि इलेक्ट्रिक के आपके सवाल ज्यादा पूछे गए, उसका कारण ये होता है कि जो लोग 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो उनके डेफ में वो लॉन्गर एक्सपीरियंस लिखा होता है, तो पैनल उस पर ज्यादा जाती है। वेरेज इन योर केस, क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था और जॉब भी शुरू ही करी थी आपने 1 साल पहले, तो ऐसे जो कैंडिडेट होते हैं ज्यादातर उनको कॉलेज के और वो टेक्निकल सवाल ज्यादा आते हैं, ये एक बात है। दूसरा जी, कि ये जो इलेक्ट्रिकल के सवाल, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो वहां पर इंटरव्यू में बैठे उनको इलेक्ट्रिकल पता है, असल में उन्होंने 3-4 लोगों को पहले पूछा होगा और उनको पता चल गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई एम अ फार्मासिस्ट, दैट इज द एडवांटेज ऑफ अटेंडिंग द इंटरव्यूज, कि कुछ ना कुछ जानने को मिलते रहता है। आपके ये इंटरव्यू के बारे में भी और डिटेल में हम लोग बात करेंगे बेशक, लेकिन क्योंकि आज तो अभी रिजल्ट आया है और बहुत सारे लोग आपसे और भी मिलना चाहते होंगे, फ्रॉम टीवी न्यूज चैनल्स टू रिलेटिव्स एंड एवरीवन, तो मतलब हम लोग वापस मिलेंगे और इसको और कंटिन्यू रखेंगे। एक दो सवाल में अभी आपको आखिर में पूछ के हम लोग इसको खत्म करेंगे। तो नेहा जी, जो आदमी सिलेक्ट होता है वो तो एक हमको सामने दिख रहा है, लेकिन उसके पहले और उसके पीछे बहुत सारे और लोग भी होते हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, तो आज ये जो आपका 20th रैंक आया है, आप किन किन लोगों को याद करती हैं और उनका क्या शुक्रिया और क्या रोल रहा है आपकी सक्सेस में? जी बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मतलब मैं मुझसे भी ज्यादा ये सक्सेस मेरी माँ को, मतलब मेरी मदर को जाती है ये क्रेडिट, क्योंकि उनका ही सब कुछ रहा है। मतलब एक होता है सर कि हम तो बस एक आगे वाली फील्डिंग कैंडिडेट है, लेकिन जो पीछे जो हमको तैयार करती है, जैसे मेन्स एग्जाम के दिन मतलब ऐसे 5 बजे उठना, फिर उसके बाद एक मेट्रो पकड़ के एग्जाम सेंटर तक जाना, इंटरव्यू के दिन में भी 4 बजे उठ के मेट्रो से सेंटर तक जाना, और मैंने पूरा ही एग्जाम प्रोसेस एक अलग शहर में दी, मतलब नोएडा में दी, दिल्ली में मेरा सेंटर था क्योंकि मेरी जॉब वहाँ से थी, मतलब और कुछ नहीं था, मेरी जॉब वहाँ से थी, तो एक फेमिलियरिटी भी नहीं थी, तो उसमें तो मेरी मदर को सबसे ज्यादा श्रेय मिलना चाहिए इसके, मुझसे भी ज्यादा मैं ये कहूँगी। सर बाकी मैं जिन जहाँ से भी मैंने पढ़ाई की हो, जैसे आपके वेबसाइट से, मतलब मैं तो ये हमेशा ही बोलूंगी कि सर, क्योंकि आपका सिर्फ इकोनॉमी का लेक्चर नहीं, जैसे वो आपका इन ज्योग्राफी में इंडस्ट्रियल लोकेशंस, और एक एक पूरा, जैसे मैं जब आंसर राइटिंग करती थी तब प्रीवियस ईयर आंसर का एक एनालिसिस कि कैसे लिखना होता है, जैसे आप एक बोलते कि कोई एक स्टैटिस्टिक दे दो, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन का, उसमें भी आपके वेबसाइट से काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिला है। और मैंने जहाँ से जिन जिन बुक्स के ऑथर से मैंने पढ़ाई की थी उनको भी जाता है शायद क्रेडिट, सर बताओ तो। और सर बस यही है, मतलब जिन जहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, जिन जो भी वीडियोस मैंने देखे थे यूट्यूब में, उनके बहुत सारे वीडियोस हैं, उनके
जिनके कुछ कुछ करंट अफेयर्स की पीडीएफ से मैंने पढ़ाई की थी उनके लिए, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। और जहाँ से हम, क्योंकि हम ऐसे हवा में तो नहीं बन जाते, कुछ कुछ चीजों को पढ़ के और उसको समझ के ही हम होते हैं, तो इसलिए उनको तो मिलना ही चाहिए वो क्रेडिट। और मेरी मदर बस यही, और मेरी फ्रेंड्स भी रहे हैं मतलब, लेकिन ऐसा है कि मैं कॉलेज के बाद बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत ही कम लोगों के साथ मैं जुड़ पाई हूँ। और ऑफिस में भी मेरे जो कलीग्स थे, मैनेजर थे, वो काफी अच्छे थे, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया, मतलब अंटिल एंड अनलेस आई वाज गिविंग मेंस, मेंस तक मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं यूपीएससी दे दूंगी या फिर मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ। लेकिन जब वो लोग मतलब जब वो लोग सुने कि मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गई हूँ, तब वो काफी सपोर्टिव थे, तो जी वो भी है। नहीं, ये भी आपने अच्छा किया और ये सबने करना चाहिए कि जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो तुरंत ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि कई बार सपोज प्रीलिम क्लियर नहीं होती तो बहुत सारे लोग वही दिमाग खाते रहते हैं, सिलेक्ट नहीं हुआ सिलेक्ट नहीं हुआ, तो हाँ, वो एडिशनली और अपने को परेशान करता है। बट नाउ बिकॉज यू हैव गॉट सिलेक्टेड तो अब तो फोन और व्हाट्सएप और सबकी वाचार शुरू हो जाएगी कि कैसे एंड तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल मतलब दैट। ये तो है, लेकिन क्या है ना, मतलब जब हम इस लाइन के इस पार आ जाते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि उस पार में क्या था, मतलब कि। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सक्सेस तो है, लेकिन इस एग्जाम में ना सक्सेस और फेलियर के बीच में बहुत ही थिन लाइन होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में आज नहीं आया वो लोग केपेबल नहीं है, या फिर मैं ज्यादा केपेबल हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही थिन लाइन है, कब किसने क्या लिखा, किसने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। तो इसीलिए मतलब काफी ज्यादा सक्सेस को इतना इम्पोर्टेंस मिलता है, लेकिन कभी कभी फेलियर भी गलती से हो जाती है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और सिर्फ सक्सेस के पीछे हम इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं सर इस एग्जाम के लिए कि ये एग्जाम एकदम गॉड लेवल है, वो है, ये थोड़ा कम होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि है इम्पोर्टेंट एग्जाम है, देश की अहम भूमिका निभाते हैं ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, आईएएस ऑफिसर्स, लेकिन है तो एक जॉब भी, और ऐसा नहीं है कि बाकी के जॉब्स कुछ मायने ही नहीं रखते, ऐसे भी नहीं है। तो ये अननेसेसरी एक मार्केट हाइप है, ये भी थोड़ा सा कम होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि बात सही है। क्या ही चलो हो गया क्या नहीं हो गया। ये आपके जो मॉक इंटरव्यू लिए थे साथ में और भी 120 कैंडिडेट्स और थे, सबके फॉर्म पड़े हैं मेरे पास, ये देखिए। मैं दिल्ली से आ रहा था तो अपनी बैग में थोड़ा वजन कम ही ले गया था ताकि ये सारे फॉर्म लेके आ सकूं, और जब किसी का सिलेक्शन हो तो देख के उसको कम से कम याद कर सके, और इसमें आपका ये फॉर्म हमारे पास अभी। हाँ सर, हाँ वो कंग्रेचुलेशंस। तो तो अब मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लोग सिलेक्ट नहीं हो पाए ये भी थे और इसके अलावा इतने बहुत सारे और भी प्रतिभावान लोग थे, सबसे अच्छे रिजल्ट की उम्मीद थी, सो व्हाट इज योर मैसेज टू ऑल दोस पीपल कि जो अभी डिमोटिवेट है कि नंबर नहीं आया और वापस प्रीलिम देनी है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद ही इस पोजीशन में थी आज सुबह तक, कि मुझे विश्वास ही नहीं था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो सर मैं उनसे यही बोलना चाहूंगी कि ये जो टू मच हम रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं कि रिजल्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये शायद बाहरी दुनिया के लिए है, मतलब बाहर की दुनिया आपसे पूछेंगे कि वो सिर्फ बाइनरी में ही चीजों को देखते हैं कि यस नो पास फेल ये सब, बट अगर आप एक सीरियस यूपीएससी कैंडिडेट हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एग्जाम ही वैसा नहीं है कि एकदम, मतलब बचपन में हम जो एग्जाम्स को लिखते थे 90 आ गया, ये 90 आ गया, 100 आ गया, ये मैं टॉपर हूँ, ये सब चीजें यहाँ पे नहीं चलता, ये एक एक गंभीर चीज है, एक सीरियस चीज है। तो मतलब सर वही, ये निष्काम कर्म की प्रिंसिपल की मत ही सोचो कि रिजल्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। और शायद कुछ लोग शायद ये सोचेंगे कि मेरे लिए ये बोलना इजी है क्योंकि मैं लाइन के इस पार हूँ, लेकिन मैं इस एंगल से नहीं देख रही हूँ चीजों को। मैं आज सुबह तक मेरी जो स्थिति थी उस एंगल से मैं देख रही हूँ कि मतलब जो चीज रिजल्ट हाथ में सच में नहीं है सर, रिजल्ट हाथ में, तो उसके रिजल्ट के लिए टेंशन लेना ये भी सही बात नहीं है। जो आपके हाथ में है, ये 4 अक्टूबर में जो आने वाला है, वो आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा अहम मोड़ है, और उसमें आपके और आपके 10 के बीच में आप किसी को आने ना दे, और उसमें अपना 100% दे, और तो सही तरीके से इसको करते जाइए, क्योंकि और हम क्या ही कर सकते हैं इससे ज्यादा। तो हम अगर रो ले या फिर ठीक है, एक दो दिन शायद रोना आएगा, जैसे मैं प्रिपेयर थी, मुझे लगा था कि एक दो दिन शायद रोना आएगा, लेकिन रोना भी एक सोल्यूशन नहीं है सर। जैसे मैं यूपीएससी में जब मेरी जर्नी थी उस टाइम मैं शेयर कर सकती हूँ कि जैसे बहुत सारे हम खुशी के लिए बोलते हैं कि कोई दोस्तों से बात कर ले, कोई एक मूवी देख लेते हैं, एक वेब सीरीज देख लेते हैं, तो उससे खुशी मिलती है। लेकिन सर जब आप एक एक सच्चा एस्पिरेंट होंगे, मतलब आपको इन सब चीजों से खुशी मिलेगी ही नहीं, आपको खुशी से उससे मिलेगा जब आप ये सोचेंगे कि मैंने सिलेबस कंप्लीट किया, मैंने इतना पढ़ा, उससे आपका टेंशन हल्का होगा, उससे आपको खुशी मिलेगी। तो अभी जिन लोगों का भाई एनी चांस, अगर जिन लोगों का मार्क्स नहीं आया, तो आप लिस्ट को तो एकदम हटा ही दो, लिस्ट को तो देखिए ही मत, आप बस जो मार्क्स आएगा 10-15 दिन बाद उसमें फोकस कीजिए, वो आपके लिए बहुत एक गाइडिंग फैक्टर होगा कि
जैसे मैंने तो सोच के रखा था कि इस बार मेरा काम रिजल्ट के बाद, मैं रिजल्ट में पॉजिटिवली लिया था, मैंने सोचा कि जैसे मार्क्स आएगा उस मार्क्स के ऊपर मैं इम्प्रूव करूंगी। तो आप, मार्क्स आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके उसके ऊपर आप देखिए कि कहाँ कहाँ कौन से पेपर में आपका छूट गया, कौन से अगर ऑप्शनल की तैयारी ठीक से नहीं है, तो एक मार्क्स को अपनी बहुत पॉजिटिवली ले। और मतलब ऐसे करके, मतलब बाकी तो लोग ठीक है आपको पूछेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ, आपको शायद ना में जवाब देना पड़े, लेकिन आपकी जो एकदम अंदर की खुशी है, आपको खुशी तभी मिलेगी जब आप फिर से पढ़ोगे और फिर से वो, क्योंकि सर ऐसे भी तो होते हैं ना, मतलब लोग दो तीन बार देके भी टॉप रैंक आते हैं। सर अगर हम अनुदीप गुरुशेट्टी सर को देखें तो उनका भी फोर्थ फिफ्थ अटेम्प्ट में शायद उनका फर्स्ट रैंक आई थी। तो सर होते तो है, मतलब लोग कर तो लेते हैं, एक दो एक बार में नहीं तो क्या दो बार में, थर्ड टाइम तो पॉसिबल तो है, तो आप क्यों नहीं कर सकते जिनका नहीं हुआ है। तो सर ये एक बहुत ही फाइन लाइन है, ऐसा नहीं कि हम बहुत होशियार, जिनका हो गया वो बहुत होशियार है, शायद उन्होंने कुछ कुछ डिसीशन कुछ कुछ टाइम पे सही लिया होगा इसीलिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि, क्योंकि सर ये एग्जाम ना एग्जैक्टली जैसे इससे भी कहीं ज्यादा टफ एग्जाम है। जैसे मैं तो आईआईटी जेई को इससे भी शायद बोलूंगी कि उससे अगर हम ब्रिलियंस चेक करें कि मेंटल एबिलिटी और ब्रिलियंस कितना है, तो वो शायद आईआईटी जेई इससे टफ है, लेकिन यूपीएससी ओवरऑल पर्सनैलिटी है। तो आप अगर इसमें फेल कर चुके, आप खुद ही सोचो अगर आप कल को आईएएस ऑफिसर बने, उसमें अगर आप कुछ उल्टा सीधे कर दिए, आप क्या रोने बैठोगे? आप नहीं रो सकते ना, आपको फिर से वो हौसला करके आपको फिर से शुरू करनी है। तो इसीलिए अपनी ये पर्सनैलिटी भी एक जर्नी है, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी, मैं यही बोलूंगी। डेफिनेटली दैट इज वेरी करेक्ट जो आपने बताया कि कुछ हम लोग एक आध मूवी देख ले या कुछ कर ले और अपना सारा मोटिवेशन आ जाएगा, वो नहीं, सच्चा मोटिवेशन अपने दिल से और अपने दिमाग से ही आता है। तो खुद को ही मोटिवेट करके आपने आगे बढ़ते रहना है। आपको, आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा और फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, और हम लोग वापस भी मिलेंगे और डिटेल में इंटरव्यू करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या तैयारी करी थी और क्या हमने ध्यान रखना चाहिए। सो आई एंड दिस सेशन हियर और इसको हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं ताकि सब लोग इसे देखें और इंस्पायर। Thank you very much, and once again, congratulations to you on behalf of Team Unacademy. Thank you so much. Thank you so much. मुझे भी बहुत खुशी हुई इस इंटरव्यू के साथ।